सब्सक्राइब कीजिए कल्पना ऑनलाइन और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कल्पना ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हमेशा लाते हैं आपका फायदा वाला वीडियो। तो आज के डेट में एक बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे लिए पानी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइफ को एग्जिस्टिंग होना बहुत इम्पॉसिबल है, तो उसी तरीके से आज का जो डेट है, अभी का जो युग है इंटरनेट, तो बिना इंटरनेट बिना डाटा के ऐसा लगता है हम नहीं चल पाएंगे, तो उसी का सोल्यूशन अभी हमको निकालना है। तो उसी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उसी में से हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट का नाम है लाइफाई। तो आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा इस चीज़ के ऊपर, कई साल हो गया उसका चल रहा है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं बना है कि इसमें हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए उसका जो मूल सिद्धांत है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो क्या क्या हमको उसमें फ़ायदा मिलेगा, तो हमको जानना पड़ेगा वाईफाई वो कैसे काम करता है और लाइफाई, तो दोनों में अगर डिफरेंस क्या है और उसका हमको फ़ायदा आगे कैसे मिलने वाला है। आज के डेट में करोड़ों जो है टावर लगा हुआ है, और टावर हमारे मोबाइल में सिग्नल भेजता है, तभी हम हमारा मोबाइल चालू कर पाते हैं, इसमें नेट चलता है। और मोबाइल कितना है आपको जान के आश्चर्य होगा, करोड़ों मोबाइल हैं। आज के डेट में डाटा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है जैसे पानी और बिजली, लेकिन हम बहुत डाटा पा रहे हैं, लेकिन इसका ज़रूरत और ज़्यादा है, और क्वालिटी डाटा चाहिए, इसमें बहुत सारा इश्यू आ रहा है। तो उस इश्यू को हम सॉर्ट आउट करने के लिए हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं या करना पड़ेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या इशू है इसमें। तो सबसे पहला इशू है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या है, जैसे हम डाटा यूज कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनी है, जियो है, वोडाफोन है, BSNL है, एयरटेल है, लेकिन उनके पास स्पेक्ट्रम इतना है कि उनका मान लीजिए एक स्पेक्ट्रम में उनको 100 आदमी का यूज करने कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ 200 कस्टमर हैं तो स्कार्सिटी हो जाता है, स्पेक्ट्रम का कमी होता है, वो मेन है कैपेसिटी। तो उसको हमको इंक्रीज करना ज़रूरी है जिससे हर कोई फुल स्पीड डाटा पा सकेगा। दूसरा इशू है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब हम जितना पावर उसमें यूज कर खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, तो हमको कितना मिल रहा है। अभी हम एक टावर लगाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक लगता है, जनरेटर लगता है, काफ़ी कुछ लगता है, लेकिन उसमें हमको मिलता क्या है, उसका डाटा मिलता है, लेकिन जितना खर्चा करते हैं, जितना एक्सपेंस है, उसका ओनली 5% ही हमको डाटा मिल पाता है। तो उसको एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, कम खर्चा में हम जैसे ज़्यादा डाटा भेज सकेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ओनली 5% हमारा एफिशिएंसी है एक्सपेंस के हिसाब से, तो इसको हमको डेवलप करना पड़ेगा। तीसरा इशू है हमारा अवेलेबिलिटी। तो अभी जो हम डाटा यूज कर रहे हैं वो हम कहाँ कहाँ, बहुत जगह ऐसा जगह है जहाँ हम डाटा को यूज नहीं कर सकते, वो जो वाईफाई का जो डाटा है उसको यूज नहीं कर सकते, जैसे अंडर वाटर हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, फ्लाइट में जाते समय यूज नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर आपस में वो वेब टकरा सकता है, तो इसीलिए वहाँ पर बहुत जगह ऐसा जगह है जहाँ पर मना किया जाता है कि वहाँ पर आप डाटा यूज मत करो, तो उसको भी हमको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और चौथा इशू है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब जैसे हम वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो आसपास का जो एरिया रहेगा उसका जितना भी जो रहता है 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, तो आसपास के भी जो उसको कैच कर सकते हैं और वहाँ पर जो हैकर्स बैठे हैं वो उसको भी ले सकते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए, उसको पूरा फुल प्रूफ होना चाहिए कि कोई भी हमारा जो है डाटा को थर्ड पर्सन यूज नहीं कर पाना चाहिए। तो सबसे बड़ा इशू, जो पहला इशू हमारा जो है कैपेसिटी है। कैपेसिटी क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रेडियो वेव का स्पेक्ट्रम है। अगर हम उस काम को विजिबल वेव का स्पेक्ट्रम में करेंगे, रेडियो वेव जितना हमारे पास है उससे 10,000 गुना विजिबल वेव का हमारे पास स्पेक्ट्रम है, और रेडियो वेव बहुत सारा जो कंपोनेंट है, बहुत सारा गैजेट्स है, बहुत सारे गैजेट्स में रेडियो वेव का यूज हो रहा है, तो आपस में इंटरफेरेंस होता है और हो रहा है, तो वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगा, प्लस हमारा स्पेक्ट्रम का कोई इशू नहीं होगा अगर हम विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं, तो कैपेसिटी का एक हिसाब से शॉर्ट आउट जो प्रॉब्लम है शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दूसरा जो इशू है एफिशिएंसी, तो वो कैसे शॉर्ट आउट होगा, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे हम वाईफाई के लिए बहुत सारा टावर यूज लगा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा पावर जनरेटर लग रहा है, और उसमें से ओनली 5% हम डाटा जो है जितना उसमें एनर्जी लग रहा है 5% ही डाटा प्रोड्यूस हो रहा है कि वो डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम लाइफाई में करेंगे तो उससे क्या होगा, जो LED लाइट है ऑलरेडी हर जगह वर्ल्ड में हर जगह लगा हुआ है,
रोड में लगा हुआ है, घर में लगा हुआ है, हॉस्पिटल में लगा हुआ है, आपका प्लेटफॉर्म में लगा हुआ है, एरोड्रम में लगा हुआ है, एरोप्लेन के अंदर लगा हुआ है, तो वो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, बस उसमें हमको सेट करना है कि कैसे डाटा उसमें ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो इसमें एफिशिएंसी जो है, जो 5% वाईफाई में था, उसमें हम बहुत ज़्यादा इसका 2 गुना 5 गुना 10 गुना एफिशिएंसी, हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी उसमें पा सकते हैं। और तीसरा इशू जो है अवेलेबिलिटी, तो कई जगह हम अलाउ नहीं है कि वहाँ पर हम वाईफाई का जो रेडियो वेव है उसको यूज कर सकेंगे, तो यहाँ पर वो इशू भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, जो वेव है, वो हार्मफुल कई जगह के लिए नहीं हो पाएगा, या फिर कोई इंटरफेरेंस उतना नहीं पैदा कर पाएगा, तो हर जगह हम इसको अवेलेबल करा पाएंगे, जैसे हॉस्पिटल में हो गया, अंडर वाटर हो गया, एरोप्लेन के अंदर हो गया, और भी जहाँ जहाँ हजारा सुवार्क हो रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, रेडियो वेव जो है, इंटरफेरेंस होता है, डिस्टर्ब होता है, उसके अंदर भी हम ये विजिबल लाइट को यूज करके हम डाटा को रिसीव एंड ट्रांसमिट कर सकते हैं। और जो चार नंबर चौथा इशू है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी जैसे ऑफिस है, उनका पर्सनल वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन जो बाहर रहेगा, रोड में भी रहेगा, तो वो भी उसको एक्सेस कर पा रहा है कि वहाँ दिखा रहा है इनका ये वाला वाईफाई चल रहा है, तो उसको कोई भी, आजकल बहुत हैकर्स आ चुके हैं, तो उसमें वो उसको हैक करके डाटा को यूज कर सकता है, क्योंकि वो जो वाईफाई का जो रेडियो वेव है, दीवार के इस तरफ उस तरफ भी चारों तरफ वो जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो अपना जो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, वो दीवार के उस तरफ नहीं जा पाएगा, दीवार से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो जो भी एक बिल्डिंग है, जो ऑफिस है, तो उन्हीं के लिमिटेड के अंदर ही वो जो डाटा जो है ट्रांसमिट होगा, जो थर्ड पार्टी है उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा उसका फीचर्स है, जो सिक्योरिटी इशू है वो भी हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो हमारा जो चार इशू है, वो वाईफाई से पॉसिबिलिटी लगता है हमको कि ये पूरा जो इशू है सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये सॉर्ट आउट होने से बहुत सारा फायदा मिलेगा, जो कैपेसिटी उसका बढ़ जाएगा, सिक्योरिटी पूरा अच्छा रहेगा, अवेलेबिलिटी सब तरफ हर जगह अवेलेबल हो पाएगा। तो वाईफाई को समझने के लिए हमने एक तो छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जिससे आप और थोड़ा क्लियर हो पाएंगे तो एक्चुअल में काम करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। तो आइए हम जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसको देखते हैं, वाईफाई कैसे वर्क करता है। तो ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, तो ये देखिए मोबाइल फ़ोन है, और यहाँ से हम साउंड को लाइट में कन्वर्ट किए एलईडी में, तो एलईडी से डाटा फॉर्मेट में निकल रहा है, जो डाटा है एलईडी से डाटा में आ रहा है। और ये जो सोलर पैनल है, ये फोटो रिसिप्टर है, तो कोई भी फोटो रिसिप्टर काम देगा। तो ये यहाँ से जब इसको चालू करेंगे तो देखिए ये बजेगा। तो साउंड को क्या है, कोई बोल सकता है कि आप साउंड लगा दिए हो या साउंड कर दिए हो, किसी में जोड़ दिए हो, तो उसी के लिए हम देखिए चारों तरफ यहाँ कहीं भी वायरिंग नहीं है, पूरा अलग से है। तो इसका जो वाइब्रेशन होता है माइक चलने से, वो हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, साउंड तो कोई पैदा कर सकता है कहीं से भी, उसको बंद चालू कर सकता है, लेकिन वाइब्रेशन जो है वो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको हम स्विच चालू करेंगे, देखिए ये लाइट आया, इसको बंद करेंगे, देखिए वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इससे साफ साफ मालूम चल जाता है कि यहाँ से डाटा जा रहा है, यहाँ से गाना ही बज रहा है। देखिए ये हम बीच में डाल दिए हैं, हाथ डाल दिए हैं, तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो साउंड नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए हाथ को हम हटा देंगे, साउंड आ जाएगा, देखिए वहाँ पर वाइब्रेशन भी हो रहा है, साउंड भी आ रहा है। तो इससे प्रूव होता है कि ये काम कर रहा है।